अस्सलामुअलैकुम, नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। नाज़रीन गिरामी, इज़राइल, फ़लस्तीन, लबनान, गज़ा और ईरान की जंग में रूस कूद पड़ा है। रूस का तहलका खेज बयान सामने आ गया, इज़राइल परेशान। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की जीत क्या होगा, इजरायली वजीर आजम को फ़ायदा। आज की वीडियो में इसी टॉपिक्स पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, हफ्ते के रोज़ ईरान पर हमले के बाद इजरायल इस वक्त बौखलाया हुआ है। इसराइल इस वक्त पूरा परेशान है कि किसी भी वक्त जवाबी हमला ईरान का हो सकता है। एक जानिब इसराइल का जवाबी हमला, तो दूसरी जानिब लबनान की जानिब से जो रॉकेट बरसाए जा रहे हैं उसका भी ख़तरा मंडला रहा है, और हमास की जानिब से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं उसका भी खतरा मंडला रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि जो हमला उन्होंने इसराइल ने जो ईरान पर किया था, उसमें जो रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जो तबाह हुआ था, इस पर रूस जो है वो आग बगोला है। इस पर रूस जो है ना वो सख्त गुस्से में है, और रूस जो है वो इसराइल को मज़ा चखाना चाहता है। इसलिए जो रूसी वफद है वो इस वक्त ईरान में मौजूद है, और कहा जा रहा है कि रूसी वफद जल्द इसराइल भी पहुँचने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान पर जो इसराइली हमला है उसमें जो इजरायली S-300 जो तबाह हुआ था, उसमें जो कि $3 अरब से लेकर $5 अरब का नुकसान हुआ था ईरान को, और इससे जो रूस की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा था, क्योंकि जो F-35 जंगी तैयारे हैं उनके हमला करने से पहले आखिर S-300 ने उनको जवाब क्यों नहीं दिया। ये इस वक्त रूस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है, ना सिर्फ इसराइल ने बल्कि इसमें अमेरिका भी शामिल है। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उन्होंने दावा किया है कि ईरान पर जो इजरायली हमला हुआ है, जो ईरान 2016 में जो S-300 डिफेंस सिस्टम लिया था वो उसमें तबाह हो गया मुकम्मल तौर पर। लेकिन ईरान जो दावा करता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, ईरान दावा करता है कि इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के जदीद तरीन S-400 की पिछली नस्ल थी, यानी कि जो S-400 है वो 400 किलोमीटर तक जो आसपास मिसाइल होंगे या फिर तैयारी होंगे उसको वो निशाना बनाएगा। S-300 300 किलोमीटर तक जो है वो उसको निशाना बनाएगा। लेकिन एक इजरायली अहदेदार के हवाले से अमेरिकी अखबार ने ये खबर शाये की है कि जब F-35 तंगी तैयारों ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो ईरानी डिफेंस सिस्टम उस वक्त कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से F-35 की जो बमबारी हुई है S-300 पर वो मुकम्मल तौर पर वो जो है वो तबाह हो गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मजीद बताया कि इसराइली फजाइया ने ईरान की मिसाइल बनाने वाली तनसीब पर भी इसी तरह ताबड़तोड़ किस्म के जो है वो हमले किए हैं। अब जो है जो हमले करने के बाद ईरान पर इसराइल इस वक्त बौखलाया हुआ है, और इसराइल की वजीर आजम नेतन्याहू को उम्मीद है कि जो नवंबर के पहले हफ्ते में जो इलेक्शन है, सदारती इलेक्शन अमेरिका में, उसमें वो उम्मीद हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े मार्जिन से शिकस्त देंगे कमला हैरिस को, और पूरी उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बनेंगे, उससे इसराइल को खासा फ़ायदा पहुंच सकता है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात जो है वो उसकी तारीख जो है वो नज़दीक आ रही है, तो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मुमकिन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। बतौर सदर ट्रंप का आखिरी दौर नेतन्याहू के लिए बहुत अच्छा था। 5 नवंबर को होने वाले वोट के हवाले से साबिक सदर ने अपने शिरकी औस की पॉलिसी पर मिले जुले पैगाम भेजे हैं। नेतन्याहू को ईरान की जोहरी तनसीबात पर बमबारी करने की तरगीब देने से लेकर जिससे इसराइल ने हफ्ते के रोज़ अपने हमलों में गुरेज किया था, इसराइली रहनुमा पर तनकीद तक उनके तबसरों में मुख्तलिफ बातें जो हैं वो शामिल रही हैं।
उन्होंने कहा था कि 7 अक्टूबर का हमला कभी ना होता अगर मैं सतर्क होता और ये कि वो इसराइल इसके बावजूद ट्रंप इंतखाबी नियम के नारे अमेरिका को दोबारा अधिक करेंगे यानी कि मेक अमेरिका एक नारा है सियासी नारा है जो चला रही है कंपेन चला रही है तो उन्होंने ये गैर वाजे पॉलिसियाँ हैं जिनके बारे में बचा कर दिखाए गए अमेरिकन सदर के तौर पर एक तनहाई पसंद ट्रंप का नियोग को गजा और अफगान में जारी तनाजात को ब्रिटेन की मांग के संबंधी साबित करने के लिए मजीद बधाई दे सकते हैं और यूसुफ की इमरान यूसुफ सियासियात प्रोफेसर गोडाइन रोहन ने बताया है कि वो ट्रंप की पता के लिए दुआ कर रहे हैं नियोग की बात कर रही है जिससे उनके ख्याल उन्हें नक्लो हरकत में बहुत ज़्यादा आज़ादी मिलेगी और वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि एक और सियासी मुबसर नैथन याहू के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ ने इसी तरह कहा है कि रिपब्लिकन्स के साथ एक तजर्बा बगीचा है जिसके बरक्स डेमोक्रेट पर ज़्यादा सख्त पेश आते हैं। इसके अलावा कमला हैरिस वाइस मौके पर जो बयान है वो आपके सामने रखने जा रहा है। कमला हैरिस ने कहा है कि ट्रंप नैथन याहू की बातचीत के असरात ने परेशान किए उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो सतर्क बंद कर इसराइल पर दबाव डाले चाहे ना सिर्फ हमास में बल्कि हिजबुल्लाह के साथ ईरान के साथ। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली बातचीत के बारे में फिक्रमंद नहीं हूँ। उन्होंने मशरक़ के वुस्ता में तनाजात के वजह से अपने मौक़िफ़ का अदा किया। हैरिस जब पूछा गया कि वो महसूस करती हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान बातचीत इन वर्षों को मुतासर कर सकती है तो उनका महसूस को मना करने की कोशिश कर रही है तो उसने जवाब दिया नहीं। ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के करीबी ज़ाती ताल्लुक हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने इसी हफ्ते नेतन्याहू के साथ तकरीबन रोजाना फोन कॉल पर फख्र किया। उन्होंने जॉर्जिया में इंतखाबी रैली में जोर दिया कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक हैं हम इनके साथ बहुत करीब से काम करना चाहते हैं। इसके अलावा अकवामे मुत्तहिदा मैदान में आ चुका है। अकवामे मुत्तहिदा की जो बड़ी एजेंसी है नरवा उस पर इसराइल जनरल से पाबंदियाँ लगाई गई हैं। सन 1949 में कायम होने वाली फलस्तीनी खिलाफियों का इदारा नरवा गजा मगरबी किनारे हत्ता के शाम दफनान के लिए काम दे रहा है। नरवा जनब से गजा शाम दफनान में मशीदा हालात के दौरान तकरीबन 60 लाख अफराद को तिब्बी सहूलियात के साथ साथ इमदाद फराहम की जा रही है। इसराइल की पार्लियामेंट ने जो बंदी लगाई है पीर की शाम अकवामे मुत्तहिदा के जो पनाह गुज़ीनों के इदारे नरवा को इसराइल और मकबूजा मशरकी मुल्कों के पर काम करने से रोकने का वोट दिया है। इसके अलावा अकवामे मुत्तहिदा का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें कतर ने भी शदीद तरक्की की है वो अमान की जानब से भी इसराइल पर शदीद तरक्की सामने आई है कि नरवा पर बंदी इस्लाम के बड़े पैमाने पर बंदी का मुतालबा जो है वो किया गया था। इसराइली पार्लियामेंट दुनिया भर में मुसलमान कंट्रीज हैं इस वक्त कार्रवाई का किया गया है और जिसमें अमीर कतर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उसने कहा है कि सही जारियत को मगरबी किनारे लबनान तक फैलाना चाहता है और नरवा पर बंदियाँ इसराइल की दहशत गर्दी और गुंडा गर्दी का उल्टा मुल्ला सबूत है ये कहना है शेख अमीर पाकिस्तान का। उन्होंने कहा है कि इसराइल ने मगरबी किनारे और लबनान में पहले से तय शुदा मंसूबों पर अमल दरामद के लिए अपनी जारियत को वसअत देने का दानिस्ता इंतखाब कर रखा है। उन्होंने शूरा कौंसल के मंगल के रोज वादा देखिए अपनी सालाना तकरीर में कहा है कि इसराइल ने ऐसा इस वजह से किया था क्योंकि वो देखते हैं इसकी गुंजाइश मौजूद हो। याद रहे कि कतरी कौंसल को कानून साजी का इख्तियार हासिल है कि वो आम रियासती पॉलिसियों विरुद्ध की मंजूरी देती है लेकिन उस सियासी जहाँ पाबंदी लगाने वाले छोटे मगर गैस पर करने वाले मुसलमान हुकूमत के व्यापार सलामती इकतसादी सरमाकारी अमूर्ती पॉलिसी में कोई अमल करता नहीं है। अमीर कतर मजीद का कतर की आइन में तरमीम शुरा कौंसल तजवीज़ करेगी और उसे अवामी रेफरेंडम में जो है वो
किया जा सकता है, कहना है अमीर कतर का। उन्होंने कहा जो अनुराग और पंडिया लगाई थी वो शर्मनाक। दोस्तों आप लोग